पिछले दिनों तो जो कि पंथ प्रवानित रहत मर्यादा ओदी विचार पर आरंभ आप सारे जनिया ने रल मिल के की है। अमृत संस्कार तो बाद सिख दियाँ रहनी सिख ने केड़ी केड़ी कर्म करने ने किन्ना दे नाल मिलवर्तन करना है ते किन्ना दे नाल नहीं करना, खाना पीना की है, किदां दे कर्म करने ने आपां सारा सरवण कीता है। जे किसी कोलों कोई अवग्या हो जाती है, भुल हो जाती है, तो उन्हूं तनखाह किवें लाउणी है? तनखाह का भाव अर्थ हुंदा है दंड। गुरमुखी दे विच उन्हूं तनखाह कहिंदे ने। भाव जे किते दंड लग भी जावे तो उन्हूं खुशी खुशी कबूल कर लैना। उन्हूं तनखाह कहा जाता है कि फलाने सिख नूं तनखाह लगी हुई है। जे किसी सिख पासों रहत च कोई भुल हो जाए तो वह नेड़े दे गुरु की संगत हाजिर हो के ते संगत दे सन्मुख खड़ो के अपनी भुल मन लवे कि मेरे कोलों भुल हो गई है। गुरु संगत चों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच पंज प्यारे पंज सिंह चुने जाण जो पेश होए सज्जन की भुल नूं विचार के गुरु संगत पास तनखाह भाव दंड तजवीज़ करन। पर जिहड़ियां भुल्लां अज हो रही हैं ना, कोई समा सी अकाली फूला सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह नूं भी बन के कोरड़े मारे सी। अकाली फूला सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह नूं बन के कोरड़े मारे सी क्योंकि उहदे कोलों भुल होई सी, नाच देख रहा सी। जिहड़े अज दे साडे आगू ने इन्हां दियां भुल्लां इदां दियां नहीं भी इन्हां नूं कहता भी तुसीं दस दिन गुरद्वारा साहिब बौकर मार दिओ, भी भारी ला दिओ, तुसीं दस बाटियां मांझ दिओ, जे तुसीं चार देगा मांझ दिओ। इन्हां दियां भुल्लां ना बख्शण योग ने। तुसीं पेपरां च सुणदे होवोंगे, अखबारां दे विच पढ़दे होवोंगे, 428 स्वरूप धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे लापता हो गए, गायब ही हो गए। सिख जिहड़ा असली सिख है सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता है पर गुरु की बेअदबी नहीं कर सकता। 78 दे विच जदों नामधारीए निरंकारीए जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबी की सन 1978 दे विच जिथों खाड़कूवाद लहर चली सी, किन्ना नुकसान होया, किन्ना सिख कौम ने जिहड़ा सीगा अपने आप ते झल्लिया सारा कुछ, किन्ने साडे नौजवान जिहड़े सीगे शहीद होए, घरों बेघर होए, परिवारां दे परिवार शहीद हो गए। कारण इको ही है कि सिख सारा कुछ ही जर सकता है, सारा कुछ ही, पर अपने इष्ट दी अपने गुरु दी बेदबी नहीं जर सकता। बगराड़ी एक गुरु ग्रंथ साहिब की गल सी, इत्थे 428 गुरु ग्रंथ साहिब की गल है, फिर भी इन्नी शर्मिंदगी है, फिर भी वो पता नहीं कि नक के नाल कि मूँह के नाल गल्लां करदे ने भी देखो जी साढ़े कोलों कोई बेअदबी नहीं हुई कि ये दसां बाटियां दे मांझण दे इन्हां नूं सज़ा लाई जा सकती है।
कि चार देगां धोण की सज़ा लाई जा सकती है। असुचा सिंह लंगाह वर्गियां दियां तुसीं पढ़िया पेपर दे विच वीडियोज देखियां तुसीं चैनलों ते, इन्हां नूं कीड़ी सज़ा लाई जा सकती है। 350 सरूप फॉरन भेजे आ बाहर, इधरों बस गई है भर के सरूपां दी शिप राही, और वो बस लद्दी पार ही खलोती रही। दो साल बाद जो बस में देखा कि सरूप है, रौला पै गया। फिर वो जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सरूप सीगे घरां दे विच वंडे गए। पिछले दिनी आप जी ने सुनिया होना, पिछले अरसे दे विच जिहड़ा चतर सिंह ते जीवन सिंह सीगा दुकान वाले जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की छपाई करते सी प्राइवेट बार, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सरूपां दे विच हीरोइन समैक बाहर दे मुल्कां दे विच सप्लाई करते सी फड़े गए। तुसीं पढ़िया होना, सारे जाणू हो तकरीबन की कारवाई उन्हां ते, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दो क महीने दुकाना सील कीतियां, अज फिर खुलियां ने, सारा कुछ ज्यौंदा त्यों चलता है। ये आ साढ़े आगुआ की कार्रवाई। जे कोई जथेबंदी बोलती है तो इन्होंने अपनिया सरकारां दे नाल ही इन्नी कु बनाई हुई है कि जथेबंदियों नूं दबा पा के चुप करवा दिता जाता है, उन्होंने परचे पवा दिते जाते हैं, उन्होंने केस पवा दिते जाते हैं। तो जिहड़ा बंदा बोलता है कि भाई 428 सरूपां का सानू हिसाब किताब दिओ, कित्थे भेजे ने, किवें गए ने, जदों जेल विच ही चले गया तो कौन आवाज़ उठाऊगा। ये सब इन्हां दियां चालां ने। पर सच्चे पातशाह अगे आपां सारे जने अरदास बेनती करते हैं कि महाराज तू ही सम्राट हां, इन्हां दी कीती दा फल इन्हां नूं तू ही दे सकदे हो। तुसीं अकाल पुरख वाहिगुरू दीन दुनिया दे मालक, तुसीं सम्राट हो। एक नरैणू मंत नहीं, इत्थे कई नरैणू मंत हुण पैदा हो चुके ने जिहड़े गलत कुकर्म कर रहे ने। एक नहीं, नरैणू मंत नूं कढ़ना कोई बाला औखा नहीं सी, कढ़िया गया, चाबियां फड़ा दित्तियां, दे दित्तियां चाबियां उन्हें गुरु घरां दियां कि मेरे को नहीं सांभ संभाल हुंदी ते तुसीं कर लवो। एक बार गलती कीती, इत्थे किन्ने नरैणू मंत पैदा हो गए ने, एक सरूपणी, 10 सरूपणी, 20 नहीं, 100 की गिणती दे विच जिहड़े सरूप ने जिन्हां का पता ही कोई नहीं। हुण पता की कहिंदे ने, कहिंदे जी लिखती विच फर्क पै गया, लालच विच आण के उन्हां रसीतां नहीं कट्टियां तां फर्क पै गया। इन्ने साल हो गए ने तुसीं चैक ही नहीं कीता, जिलतां वक्खरियां आउंदियां ने, अंग जिहड़े ने ना गुरू साहिब दे वक्खरे आउंदे ने, इन्हां दी छपाई कदे वक्खरी तैयार हुंदी है कि ये हिसाब किताब अज तक रलिया ही नहीं तुहाडा। अज जदों पता लगा कि 428 सरूप कित्थे ने, जिहड़ी कमेटी बनाई गई उन्हें साबित कर दिता सीगा कि 428 सरूप जिहड़े ने गायब होए ने। जदों हुण पता लगा कि जथेबंदियां उठ खलोतियां ने साडे कोलों हिसाब मंगदियां ने, तो बस गोंगलुआ तो जिमें आप कह दें ना आलूआ तो मिट्टी झाड़न वाला काम किया कि नहीं जी ये गायब नहीं होए, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की बिद भी नहीं हुई, बस लिखती पढ़ते बेच ही फर्क पिया। सो ये लोग जेड़े आ, मैं एक दिन अगे भी बेनती की सी पातशाह जी बाणी अंदर फरमान करते ने, जदों बंदा लालच में आ जाता है ना, लालच में तो वह किसी का नहीं बनता। ये लोभंग लंपट सिर माया बहु लहरी कलोल, ते श्लोक संस्कृत में आप पढ़ते हाँ, कहिंदे जदों बंदा लालच में आ जाता है, लोभी हो जाता है ना, फिर वो अपने माँ प्यो का भी नहीं बनता, अपने भैन भाइयों का भी नहीं बनता। फिर पातशाह जी कहिंदे इतों तक भी वह अपने गुरु का भी नहीं बनता, अपने इष्ट का भी नहीं बनता। तो ये हो गए ने लालची, ये हो गए ने लोभी। तो जो लोभी बंदा हो जाता फिर किसी का नहीं बनता। इस तरह गुरु साहबान का भी इन्होंने सौदा किया, बिजनेस व्यापार किया, और वेचे ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सरूप वेचे। पता नहीं किनू हो सकता, RSS नू वेचते हो, ये भी हो सकता, क्योंकि उन्होंने भी उन्होंने भाईवालता है, साझदारी है। जे किसी घर भी दी है तो लिखती तो होना चाहिए ना कि मैं आ सरूप फलाने के घर जा रहा भाई लैके जा रहे हैं।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, 8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਬਾਟੀਆਂ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲਾ ਦੇਗਾਂ ਧੋ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਕਰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਦੱਸੋ 428 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਘਾਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਭੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।